अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी भूल गए 400 पार, वो लोग तो अब बोलना बंद कर दिए हैं, वो तो 150 पार नहीं हो पा रहे हैं, अब वो तो ईवीएम में बंद हो गया है, लेकिन समझता हूँ मैं लाखों वोट जीतूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने परिवार के साथ अपने गृह ग्राम कुरुड्डी आए थे, उन्होंने वोट डाला है। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि देश में 400 पार, छत्तीसगढ़ में 11 के 11, आपका क्या आकलन? अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी भूल गए 400 पार, तो आपको याद है अलग बात है, लेकिन वो लोग तो अब बोलना बंद कर दिए हैं, वो तो 150 पार नहीं हो पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये सीधा सीधा आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये आरोप था कि आप लोगों ने मुद्दों की राजनीति नहीं की पूरे चुनाव में, आरोप प्रत्यारोप और नकारात्मक चुनाव आप लोग लड़े, इस तरह का कहना था। मतलब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुद्दा क्या है? मछली, मटन, मंगलसूत्र, ये उनके राष्ट्रीय मुद्दे हैं, और हमारे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो महंगाई है, बेरोजगारी है, जिससे आम जनता त्रस्त है। तो महंगाई से कैसे निपटा जाए, बेरोजगारी से कैसे दूर की जाए, इसका पूरा विजन यदि देखें हमारे न्याय पत्र में देखने के। आप कितने वोट से जीत रहे हैं? अब वो तो ईवीएम में बंद हो गया है, लेकिन समझता हूँ मैं लाखों वोट से जीतूंगा। चलिए, ये थे भूपेश बघेल जी, और उन्होंने कहा है कि अपना लोकसभा जो क्षेत्र है, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र, उसका जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो चुका है, मगर उन्होंने कहा है कि वो लाखों वोट से जीतेंगे। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप लगता था कि कांग्रेस ने मुद्दों की राजनीति नहीं की, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों की राजनीति नहीं की, महंगाई पर कुछ नहीं बोला, बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोला, तमाम चीज़ों पर नहीं बोला, मुद्दों की राजनीति कांग्रेस ने की। कैमरा में लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, भिलाई।